हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ चल रही है, दूसरी तरफ बुलडोजर से अवैध ध्वस्तीकरण भी तेजी से हो रहा है। जिस तरह यूपी में बुलडोजर का हल्ला है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी काम हो रहा है। शुक्रवार को 4 जगहों पर बुलडोजर चला था। शनिवार के दिन भी सुबह नूह के नलहार मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल के ठीक सामने बने अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। अब AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा, बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात का मौका दिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, न ही इंसानियत के तकाजे पर जायज है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा, असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है। जिस कार्रवाई पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बता दें कि हरियाणा के नूह कांड के बाद खट्टर सरकार अवैध संपत्तियों पर एक्शन ले रही है। उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों को ढाया जा रहा है। इसके साथ ही उन जगहों का भी पता लगाया जा रहा है जहां से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। शनिवार को प्रशासन ने हिंसा के दौरान जिस होटल से पत्थरबाजी हुई थी, उसको बुलडोजर से ढा दिया। अब तक 600 से ज़्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। पूरे हरियाणा में करीब 104 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 216 गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में इलाके के SDM अश्विनी कुमार ने कहा कि जो अवैध निर्माण थे वही तोड़े गए। तोड़े गए निर्माणों के मालिकों को पहले से ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कुछ अवैध निर्माण मालिक भी शामिल थे। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस घटना का रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस जगह घटना हुई उसके आसपास बड़ी संख्या में रोहिंग्या बस्ती है। यहाँ पर म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। अवैध बस्ती में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं इस केस में पॉलिटिकल नाम भी सामने आ रहे हैं। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और कांग्रेस नेता मम्मन खान के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक नेता जावेद अहमद का नाम भी सामने आया है। आप नेता के खिलाफ सोहना थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब आगे इस केस में क्या क्या कार्रवाई होती है और क्या होता है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज नेशन के साथ।